प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक के दौरान कई जगहों पर हंगामे और मारपीट की घटनाएं भी हो रही हैं। बूंदी की कई ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान हंगामे और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। बूंदी के दमलाना थाने में आरसी खेड़ा गाँव में मारपीट में एक हेड कांस्टेबल और मंडी ग्राम पंचायत में एक कांस्टेबल घायल होकर चोटें आई हैं। पुलिस ने एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी फरार है, जबकि दूसरे मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार आरसी खेड़ा ग्राम पंचायत में ओलंपिक खेल के दौरान धानव और नंद गांव के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। इस दौरान फर्जी खिलाड़ी को लेकर विवाद हो गया और कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर हंगामा कर दिया। इस पर स्कूल के प्रिंसिपल राम प्रसाद मीणा ने पुलिस को सूचना दी तो दबलाना थाने से हेड कांस्टेबल अशोक जैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुछ ग्रामीणों को हंगामा करने से टोका तो तीन युवकों ने उनके साथ लकड़ी से मारपीट कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने मारपीट के आरोप में मीणा का झोपड़ियाना निवासी रोहित मीणा, मोहित मीणा व राकेश मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। दबलाना थाना क्षेत्र की मंडी ग्राम पंचायत में मैच के दौरान एक दल के पक्ष में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान वहां खड़े कांस्टेबल जितेंद्र सिंह समझाइश करने पहुंचे तो पीछे से व्यक्ति ने लकड़ी से सर पर वार कर दिया। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लकड़ी से हमले के बाद कांस्टेबल के सर से खून बहने लगा तो उसे हिंडोली अस्पताल लेकर आए, जहाँ से सर पर तीन टाके लगाए हैं। दबलाना पुलिस के कांस्टेबल की रिपोर्ट पर अमरपुरा निवासी सुरेश, दुर्गालाल, मोहनलाल, देवराज के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दबलाना थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कई जगह से हंगामे की जानकारी मिली है। इस पर कानून व्यवस्था के लिए कांस्टेबल भिजवाए थे। गांव में उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जो निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।